भाई सारे भाइयों हाथ जोड़ के राम राम सत श्री अकाल। साथियों, संयुक्त किसान मोर्चा ए राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा ने भारत सरकार के उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है जो प्रपोजल उन्होंने पिछली मीटिंग में हमें दिया था। कल दोनों फोरम के नेताओं ने 3-4 घंटे तक उस प्रपोजल की पूरी अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करी, उसके एक एक शब्द को समझने का प्रयास किया और उस पर पूरी जांच पड़ताल के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि उस प्रपोजल में किसानों के लिए कुछ भी नहीं है। सबसे पहली बात, भारत सरकार ये कहती है कि भाई अगर हम दाल की फसलें भारत के किसानों से ही लेंगे तो लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख करोड़ का खर्चा आएगा। दूसरी तरफ हमारा ये कहना है, बहुत सारे कृषि एक्सपर्ट हैं, हरीश दामोदर जी हैं, प्रकाश कामारेड्डी हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट ने ये कहा कि अगर सरकार 23 की 23 फसलों पे एमएसपी या गारंटी कानून बढ़ाए तो टोटल 1.5 से 2 लाख करोड़ का ही खर्चा आएगा। तो जब 1.5 से 2 लाख करोड़ में एमएसपी गारंटी कानून ही बन सकता है तो अकेले दालों की बात सरकार क्यों कर रही है, पहली बात। दूसरी बात, आज जो सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में जो कृषि उत्पाद बाहर से इम्पोर्ट किया जाता है देश में, वो है पाम ऑयल, जो हमारे शरीर के लिए भी खतरनाक है, हमारी इकोनॉमी के लिए भी खतरनाक है। हर साल लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए का पाम ऑयल बाहर से इंडोनेशिया मलेशिया से इंपोर्ट किया जाता है। हमारा ये कहना है कि ये 1.25 लाख करोड़ का पाम ऑयल इंपोर्ट करने की बजाय सरकार ये क्यों नहीं कहती कि भाई हम अपने देश के किसानों से सरसों खरीदेंगे, हम तिल खरीदेंगे, अन्य खाद्यान्न तेल संबंधित फसलें खरीदेंगे और उसकी गारंटी हम देश के किसानों को देंगे। तो अगर सरकार की नीयत साफ है, अगर सरकार सच में आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहती है तो ये तमाम कृषि उत्पाद बाहर से इंपोर्ट बंद करके अपने यहाँ के किसानों को एमएसपी की गारंटी दो और अगर टोटल आप दाल और पाम ऑयल का जोड़ोगे तो लगभग 3 लाख करोड़ रुपए सरकार के पास बचता है और 3 लाख करोड़ रुपए सालाना में 23 की 23 फसलों पे बहुत आसानी से एमएसपी गारंटी कानून बनाया जा सकता है। एक और बात साथियों, सरकार ने अपने प्रपोजल में कहा कि जो किसान गेहूं और धान को छोड़ के कपास या अन्य फसलें लगाएगा उसको हम एमएसपी की गारंटी देंगे, सरकार लीगल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। हमारा ये कहना है, मान लीजिए कोई किसान पहले से ही नरमे की खेती करता है, इसका मतलब उसको तो फिर मिलेगा नहीं एमएसपी पे गारंटी। कोई किसान पहले से ही अगर अरहर की तुअर की खेती करता है, इसका मतलब उसको तो एमएसपी पे गारंटी मिलेगी नहीं। सरकार के अनुसार तो इन 5 फसलों पे भी एमएसपी गारंटी उसी को मिलेगी जो दूसरी फसलों को छोड़ के ये करेगा। तो हमने जो पूरी जो जांच पड़ताल करी उसके बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि इस प्रपोजल में किसानों के लिए कुछ भी नहीं है।